आज हम बना रहे हैं मलका मसूर की दाल और चावल। उसके लिए मैंने ये मलका मसूर लिए, इसमें मसाले डाल देती हूँ और मसाले डाल के उबाल लेती हूँ। ये हल्दी लिया मैंने, ये धनिया लिया है, ये लाल मिर्च लिए, स्वाद अनुसार ये नमक लिया है। अब ढक्कन बंद करके इसको गैस पे चढ़ा दूँगी। गैस जला के मैंने उबलने को दाल रख दी। मलका मसूर की दाल के साथ के लिए मैंने चावल ले लिए हैं, ये बासमती चावल हैं, इन्हें धो के अच्छे से गला दूंगी। मैंने ये धो के चावल गला दिए, इसमें मैंने एक चम्मच घी डाल दिया है जिससे चावल चिपकते नहीं हैं और स्वादिष्ट बनते हैं। दाल बन के तैयार है, अब मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ इसका। उसके लिए प्याज और टमाटर काट लेती हूँ। मैंने दाल के तड़के के लिए एक बड़ी ये प्याज ली है, एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको मैं बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये तड़के के लिए मैंने प्याज काट लिया है बारीक बारीक और ये टमाटर काट लिए बारीक बारीक, ये धनिया काट लिया है और ये हरी मिर्च है। मैं तड़का लगा देती हूँ। मैं तड़के के लिए जीरा डाल देती हूँ, तेल डाल दिया है मैंने इसमें, ये जीरा डाल देती हूँ, प्याज डाल दूँगी, ये ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको। प्याज भून के तैयार है, अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। तड़का भून के तैयार है, अब मैं इसको दाल में डाल देती हूँ। दाल बनके तैयार है मलका मसूर। लंच बनके तैयार है।